हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज के वीडियो में मैं आपको होली पूजा से रिलेटेड सामग्री बताने वाली हूँ कि आपको होली के दिन जो भी पूजा आपको करनी है उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो एंड में अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे और वीडियोज देखने को मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें चाहिए हल्दी। हल्दी हमें माता को टीका करने के लिए भी हल्दी यूज होती है और जो हम पूजा विधि करेंगे पूजा करेंगे उसमें भी हमें चाहिए। इसके बाद हम माता को अर्पित करने के लिए मेहंदी लेंगे। आटा भी हमें लेना है। आटा लेने के बाद हम रोली और चावल लेंगे। इसके बाद हमें चाहिए एक नारियल। नारियल होली में जरूर चढ़ाया जाता है तो नारियल आप अवश्य से लें। एक नारियल हमें लेना है, पानी वाला नारियल लें आप। इसके बाद हमें कच्चा सूत लेना होता है। होली को कच्चे सूत से बांधना होता है और मोली भी आप ले लें। मोली से भी बांधा जाता है और कच्चे सूत दोनों से मिलाकर बांधा जाता है। और अगर आप लोगों के यहाँ डोरा लेते हो तो आपको दो कच्चे सूत के गोले लाने होते हैं और ये आप उतना ही लेकर जाएं क्योंकि इसे वहां पर काटते नहीं है, तोड़ते नहीं है। तो आप ये उतना ही लेकर जाएं जितना आपको बांधने के लिए चाहिए होगा। छोटी सी रील हो तो छोटी सी, या फिर ये 10 रुपए का आता है, इसे पूरा आपको चढ़ा के आना होता है तो उसी हिसाब से लें। और हल्दी की गांठ हमें लेनी होती है। अगर आप डोरा लेते हैं तो हल्दी की गांठ कंपलसरी ले जानी होती है। अगर डोरा नहीं लेते तो ये उतना ले जाना कंपलसरी नहीं होता है। चाहे अगर मन हो तो ले जाए वरना ना ले जाए। इसके बाद हमें एक माचिस चाहिए और हम गुलाल जरूर से लेंगे। गुलाल क्योंकि होली रंगों का त्योहार है, आप ऐसा गुलाल ला सकते हैं। पैकेट भी मिलते हैं, तरह तरह के गुलाल मिलते हैं, बट गुलाबी और पीले गुलाल का विशेष महत्व होता है। तो आपको ये सारी जो पूजा के लिए हमें मेन सामग्री चाहिए वो तो ये हो गई है। इसी के साथ साथ आप एक घी का दीपक लें, कुछ फूल लें और एक लोटा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध या फिर नॉर्मल दूध जरूर से ले लें। ये भी हमें चाहिए होता है परिक्रमा के लिए। फिर हमें जो मेन इम्पोर्टेंट होता है, हमें ये बरकुल्लों की माला लेनी होती है। इन्हें कई लोग बरकुली भी बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो। तो ये देखिए, ये माला प्रॉपरली कैसे बनानी है ये मैंने आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पे सिखाया है। ये बरकुल्लों की माला होती है, ये आपको होलिका दहन जहाँ हो रहा होगा वहां पे भी मिल जाएगी। और अगर ये ना मिल रही हो आपको तो फिर आप गोबर के उपले भी चढ़ा सकते हैं। 5 गोबर के उपले आप ले सकते हैं। फिर अगर क्या बोलते हैं, कई लोग इन्हें होली जब प्रज्वलित हो जाती है तब अर्पित करते हैं। अगर छोटी होली है तो वो पॉसिबल हो पाता है, बट अगर बहुत बड़ी होली है, प्रचंड अग्नि है, तो फिर तब आप नहीं चढ़ा सकते। तो आप जो बिना जली हुई होली है यानी ठंडी होली में ही अर्पित करके आ सकते हैं। तो अगर आप ठंडी होली में ही अर्पित करने वाले हो तो इन्हें तभी अपने साथ ले जाएं। तो बरकुल्ले हमें अगर आप ठंडी होली में चढ़ाना चाहें तो तब लेकर जाने, और गर्म होली में चढ़ाना चाहें तो तब आप लेकर जाएं। तो ये तो हमारा ठंडी होली का सामान हो गया। अब हम देख लेते हैं, हमें जब हम होली प्रज्वलित हो जाएगी तब जब पूजा करने जाएंगे तब हमें क्या क्या लेके जाना है। तब वापिस से हमें जल का लोटा लेकर जाना है और कच्चा दूध लेकर जाना है। इसी के साथ साथ गेहूं और चने की बालियां भी लेकर जानी है। ये देखिए, जो हरा गेहूं होता है, हरा चना होता है, वो लेकर हम जाएंगे। तो ये दोनों मैंने साथ में बांध लिए हैं। इन्हें कई लोग गन्ने में बांधते हैं, ऊख में बांधते हैं, और कई लोग नीम की डंडी में बांधते हैं। नीम की डंडी या फिर गन्ने में, दोनों में से किसी में भी आप बांध सकते हैं या फिर ऐसे भी लेकर जा सकते हैं। इन्हें हमें गर्म होली में लेके जाना होता है। ये देखिए, ये ऐसे तो हमें चने लेकर जाने हैं, चने भूनने होते हैं। और अगर ऐसे मतलब हरे गेहूं, कई बार जो फसल है वो जल्दी पक जाती है तो गेहूं जो है वो पूरे पक जाते हैं। तो जो दोनों में से जो भी मिल रहे हो वो आप लेकर जा सकते हैं। तो ये तो हमने चने ले लिए जो हमें पूजा के लिए चाहिए। इसके बाद हमें एक पापड़ भी लेकर जाना होता है। पापड़ भी हमें ऐसे ही सेकना होता है। कई लोगों के यहाँ सरसों भी लेकर जाते हैं। हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है, तो आपके यहाँ का जैसा हो आप वैसे कर सकते हैं। अब हलवा पूरी का प्रसाद, ये आप या तो ठंडी होली में चढ़ाएं या फिर आप गर्म होली में चढ़ाएं। मोस्टली हलवा पूरी लेकर जाते हैं। हलवा आप सूजी का, बेसन का, मूंग दाल का, किसी का भी ले सकते हैं, पर प्रसाद मोस्टली हलवा पूरी का ही लगता है। या फिर अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ गुड़ का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो हमें गर्म होली में कुछ जरूरी सामान चढ़ाने होते हैं वो आप धूप चढ़ाएं, लौंग चढ़ाएं, इलायची चढ़ाएं, लोबान चढ़ाएं, कपूर चढ़ाएं और हवन सामग्री चढ़ाएं। ये चढ़ाना बहुत शुभ होता है। इससे पूरे माहौल में, पूरे वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी आती है एंड बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है और
होली माता एक तरीके से बहुत बड़ा हवन ही है, तो उसमें हमें ये सब सामान जरूर से अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो आम की लकड़ियां भी अर्पित कर सकते हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अच्छी लकड़ियां आती हैं वो आप चढ़ा सकते हैं, बट कोशिश करके ये सामान आप जरूर लेकर जाएं। और अगर आपको लग रहा है अग्नि बहुत प्रचंड होगी प्रज्वलित होने के बाद, तो आप ये सारा सामान ठंडी होली में ही अर्पित करके आ सकते हैं। तो यही सारा सामान है जो हमें होली पूजा के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप घर पर होली मनाकर पूजा करते हैं तो भी आपको यही सामान चाहिए, और अगर बाहर जाकर पूजा करते हैं तब भी आपको यही सामान चाहिए। और घर पर होली कैसे बैठाते हैं, प्रॉपर तैयारी कैसे करनी है, होली कैसे लगानी है, उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को जरूर से सब्सक्राइब करें, ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।